और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। इन दो के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि की रचना रहे हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नाशवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा के शत्रु हो गए वे नकली गुरु ब्राह्मण। इसी प्रकार परमात्मा इन मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को लताड़ धिक्कारा करते थे कि तुमने यथार्थ ज्ञान नहीं है परमात्मा के बारे में, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, और तीसों रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा। कहते हैं दिन में तो रोजे रखे और सांझ ने बकरी मार के खाली, गऊ मार के खाली, केपन कराया तुमने तो पाप कट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार से वो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के विरोधी बनते चले गए। किन्होंने बना दिया? नकली गुरुओं ने। लेकिन परमात्मा की समर्थता से कि जिनको लाभ हुआ वो 64 लाख शिष्य कबीर जी के हो गए थे। एक धारणा फैला रखी थी नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने बनारस में, कि जो बनारस में काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगहर में जो मरता है, मगहर एक शहर है गोरखपुर जिला के से 25 किलोमीटर आगे बस्ती जिला की तरफ जाते हैं, अब वो कबीर संत कबीर नगर जिला हो गया, पहले बस्ती जिला था, तो वहां से 25 किलोमीटर गोरखपुर, ये गीता प्रेस वाला गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक मगहर कस्बा है। तो ये पंडित कहा करते काशी के ब्राह्मण, क्योंकि काशी के ही पंडितों से सारे इसको हिंदू धर्म को जो है संदेश मिलता था, ऐसा करो आदेश मिलता था। तो कहा करते थे भाई काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाओगा, और मगहर में जो मरता है वो गधा बनता है, मगर मत मरियो कोई भी। परमात्मा कहा करते थे भाई सच्ची साधना करो, सत भक्ति करो, और कितना मरो, अच्छे भक्ति करने वाला कहीं भी मृत्यु होती है सीधा अपने यथा स्थान पर जाएगा, जिस भी लोक की उसने भक्ति कर रखी है। और पापी पापात्मा भक्ति गलत शास्त्र विरुद्ध करने वाला मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाओगा। ब्राह्मण लोग इस बात का विरोध किया करते थे, दुल्हा तो झूठा है, कपटी है, ये सारी उल्टी बात करता है, ये सब धर्म के विरोध, धर्म का विरोधी है। तो परमात्मा कहने लगा भाई मैं मगर मैं मरूंगा। जब सतगुरु परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी इस लीला में शरीर में 118 साल के हो गए, 120 साल के सन 1518 में, और संवत 1575 में कहने लगे कि मैं मगहर में शरीर छोड़ दूंगा, और भाई तुम अपने पोथी पत्रे लेकर आ जाइए ब्राह्मणों, और देखियो मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। उस समय तक परमात्मा कबीर जी की लीला से महिमा से परिचित होकर के काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला के आ करते सिंपल लैंग्वेज में, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य थे, और मगर का नवाब बिजली खां पठान था वो भी परमात्मा के शिष्य हो गए थे। एक बहुत कभी सुनाएंगे ये सारी कथाएं आप जी को धीरे धीरे। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं मगर में जाकर शरीर छोड़ दूंगा, और 120 साल की उम्र शरीर मालिक का दिखा था, और मगर से काशी से पैदल चले थे, मगर पहुंचे 3 दिन में पहुंचे, और साथ में काशी का नरेश सेना लेकर चल पड़ा वीर सिंह बघेला, वीर देव सिंह बघेल के, वहां अपने गुरुजी शरीर छोड़ेंगे,
इनके सब को हम काशी लावांगे, काशी में लाके अपने हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमानों का हाथ नहीं लगने देंगे। और उधर से काशी के लोग ब्राह्मण रोर देखनीय बने चल पड़े। वहां मगर पहुंचे तो वीर बिजली खां पठान नरेश, वो भी कबीर जी का शिष्य था मुसलमान, उसने पता चला कि गुरु जी आ रहे हैं और यहां शरीर छोड़ेंगे, तो उनने उनको पता चला कि काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आ रहा है और गुरु जी के सब को वहां ले जाना चाहता है। तो बिजली खां पठान ने कहा, अपने सेना तैयार कर ली कि हम इस शरीर को नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये हमारे यहां मृत्यु होगी तो हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। जब कबीर जी वहां पहुंचे, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा बिजली खां, क्योंकि बिजली खां पठान ने सभी की खाने की आहार व्यवस्था करवा रखी थी। तो कबीर उस बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु यहां एक साथ में दरिया बहा करती थी, एक आमी नदी है मगर के बिल्कुल साथ से बह रही है। ये दास तीन बार देख कर आया, उनको साथ में सैकड़ों भक्त गए थे, वहां यादगार बनी हुई परमात्मा ने जहां लीला की थी। ये आमी नदी यहां से बह रही थी, अब सूख गई है, शिवजी ने श्राप दे रखा है इसको, और शिवजी ने श्राप दे रखा है यहां पानी नहीं है नीचे का, इस मगर के अंदर पीने का पानी नहीं है। परमात्मा हे गुरुदेव, हमने दूर से पानी मंगाकर व्यवस्था करवा रखी है, आपके लिए नहाने का पूरा व्यवस्था है। परमात्मा बोले नहीं, मैं बहती हुई नदी में स्नान करूंगा। तो मजबूरी बताई जी, यहां नदी दरिया बहा करती थी लेकिन ये सूखी हुई है शिव जी के श्राप तय। परमात्मा बोले मुझे दिखाओ कहां वो दरिया, वो ज्यादा से ज्यादा वहां उस लीला स्थल से 400 फुट की दूरी पर है, दरिया आज भी है वहां पर। तो वहां परमात्मा खड़े हो गए जाकर, सूखी पड़ी वो दरिया, और परमेश्वर ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ऐसे करते हैं ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े होना फिर गाड़ी सारी चल पड़ती है, ऐसे परमात्मा ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया था तो काफी दूरी पर जैसे कोई बम फटा हो ऐसा आवाज हुई धमाका उठा, और वहां से फिर वो दरिया एकदम पूरी बरकत चल पड़ी। ओए होए, 5 मिनट के अंदर अंदर वहां खड़े खड़े वो लबालब बरगी दरिया और बहन लाए, आज तक चल रही है वो दरिया। सब बोलो सतगुरुदेव की जय। अब परमात्मा कहते हैं, तो गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम ता कटेना तीनों तापम, ये श्राप दे देना तीन ताप के अंतर्गत है। वहां से पानी खत्म कर दिया नीचे और दरिया का, और परमात्मा ने तीन ताप को काट दिया, समाप्त कर दिया, वहां जल बहा दिया और नीचे भी मीठा पानी प्रवेश कर दिया कबीर परमेश्वर जी। अब वो स्नान करने कर अपना सब ने स्नान कराया, जितने भी जा रहे थे निर्मल जल पिया, और परमात्मा कहा भाई मैं शरीर छोड़ूंगा। तो श्रद्धा से नीचे एक चादर बिछाई सफेद, चादर के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आधा इंची यानी पूरे बिछा दिए, यानी गुरु जी लेटेंगे श्रद्धा के साथ। फिर परमात्मा उसके ऊपर, फिर परमात्मा ने कहा भाई वीर सिंह, इधर वीर सिंह खड़ा है, इधर बिजली खां खड़ा है मुसलमान, इधर हिंदू राजा खड़ा है, कि भाई तुम ये सेना किस लिए खड़ी कर रहे हो, तुम यहां मेरे अंतिम संस्कार के लिए आए हो या तुम लठ बजाना रहे हो, दोनों नीचे गर्दन कर ली, कोई ऐसा नहीं बोला है। जो दूसरे और हिंदू और मुसलमान खड़े थे इधर उधर, वो कहने लगे महाराज जी हम आपके शरीर को, मुसलमान कहते हम आपके शरीर को इन काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे हिंदुओं के, हम अपने हिसाब से मुसलमान रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अब हिंदू कहते हैं कि हम इन आपके शरीर को इन मांसाहारियों को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे मुसलमानों को, हम हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शव के इनका हाथ भी नहीं लगने देंगे, हम युद्ध करके फैसला करेंगे। कबीर जी कहने लगे निकम्यो,
120 वर्ष हो गए मैंने ये बात बताता ना कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई। इस मान यो शरीर है, मेरा शरीर तो तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन आपका शरीर है ये मट्टी है, इसने गाड़ दो चाहे फूक दो, इसने ये कुछ नहीं कामान का जब भक्ति ठीक ना करी थे, और खबरदार जो तुमने झगड़ा किया है थे मेरे से बुरा नहीं होगा। अब परमात्मा की वो शक्ति से परिचित थे कि गुरु जी रुष्ट हो गए तो हानि भी हो सकती है, लेकिन वो इन सोच रहे थे कि ईब ना बोलाम और गुरु जी एक बार शरीर छोड़ दें मर जा और फिर देख लेंगे हमने जो करना वो करना ही करना है। मन में सारी खोट था, वो अंतर्यामी थे परमात्मा कबीर जी, उन्होंने वो जानते थे कि ये नाश करेंगे, ग्रह युद्ध हो जाएगा, महाभारत से भी भयंकर युद्ध हो जाना था जब परमात्मा अपनी समर्थता का प्रमाण नहीं देते थे। फिर कहने लगे वह बात सुन लो, मेरा शरीर तुम्हें मिला है, इस दो चद्दर एक नीचे बिछाऊंगा एक ऊपर उड़ूंगा, इसमें तुमने अगर शरीर मिला है इसको काट दियो भाई, दो हिस्से कर लेना और लड़ियो ना, एक चद्दर तुम ले लेना एक ये ले लेंगी, ये जुल्म मत करना। अब जब तो वो कह रहे थे, वो सुन रहे थे, अंदर से जगह नहीं थी उनके, तो परमात्मा ने ऐसा किया कबीर जी ने उस एक चद्दर नीचे बिछा रखी थी, थोड़े थोड़े फूल बिछा रखे थे उन पर लेट गए, ऊपर से दूसरी चद्दर ओढ़ ली और वहां एक पर्दा सा लगवा लिया था वो अपने चारों तरफ, और थोड़ी सी देर में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देख लो भाई चद्दर उठाकर उसमें मेरा शरीर नहीं और मैं सतलोक जा रहा हूं, स्वर्ग से भी ऊपर ब्राह्मणों खोल लो थरे पतरिया ने भी देख लो कहां मगर मरिया हूं, मगर से जा रहा हूं शरीर छोड़कर शरीर जा रहा हूं। तो जब उन्होंने पतरे खोल खोल देखे अकबर तो सचमुच सारे संस्कार ही बदल गए, यहां तो सीधे स्वर्ग से भी ऊपर महास्वर्ग में जा रहे, उनकी महास्वर्ग तक दृष्टि थी। परमात्मा ने आप ऊपर से कहा कि ये चद्दर उठाकर देख लो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आधा आधा सामान ले लेना बच्चों, लड़ाई मत करियो। अब दोनों जब वो चद्दर उठाई तो उसमें सुगंधित फूल सब के आकार का ढेर मिला, सुगंधित फूल ये फ्लोर पाए उसमें, आधे मुसलमान ले लिए आधे हिंदुओं ने, एक चद्दर हिंदुओं ने एक मुसलमानों ने, और वहीं पर मुसलमानों ने तो अपने वो फूल नीचे गाड़ दिए, हिंदुओं ने वो जलाकर राख करके वहां नीचे गाड़ी ने भी नीचे दिए, उन पर भी यादगार है उन पर यादगार है। तो उस समय हिंदू और मुसलमान कहां तो आपस में कटका मरण आए थे लड़ने के लिए, एक दूसरे से मिल मिलकर ऐसे आपस में सीने से सीना लगा कर रो रहे हैं जैसे बालका का बाप मर जाया करे, वो चिपट लपट कर रोया करते हैं और कहते थे कि हम नीच थे, हम महापापी हैं, हमने भगवान को पहचाना नहीं, तो स्वयं मालिक आए हुए थे। इस प्रकार पुण्यात्मा वो परमात्मा समर्थ थे और समर्थ परमात्मा ने ही वो महाभारत से भी भयंकर युद्ध समाप्त कर दिया, नहीं होने दिया। उससे पहले आसपास के जो ज्योतिषी थे वो बताया करते थे कि इस वर्ष में एक भयंकर युद्ध होगा, बहुत ज्यादा नरसंहार होगा, और उसके बाद वो परमात्मा ने युद्ध टाल दिया। तो वही पत्रों वाले बताने लगे कि वो संयोग इब बदल गया, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा हमने क्या सुना करते, एक राम था एक रावण था, राम को वनवास हो गया, सीता रावण ने सीता ठाली, उड़ा लड़ाई होगी उड़ते ले आए, लड़ लड़ा कर रावण मार दिया, वापस आ गए सीता काट दी घर से निकाल दी, फिर कदे नहीं मिले दोनों, ये कथाएं सुना करते हम। बता एक बात बताओ, जिसकी पत्नी गर्भवती और पति किसी के कर्ण मात्र थे, एक दो भी के कर्ण थे, उन्होंने कह दिया कि मैं राजा दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं, जो रावण के पास 10 वर्ष रह आई उसको अपने घर रख लिया, क्योंकि उस धोबी की पत्नी
कवा सुनी होगी थी, दो दिन अपने चली गई मायके मुंह के उड़त, फिर वापस आएगी बेचारी, तो रमा नहीं रखूंगा तने, मैं दशरथ का बेटा नहीं हूं, रावण के पास रही, पत्नी को अपने पास रख रहा है। अले इससे बात पर वह सीता निकाल दी, बता क्या का करेक्टर था इनका, अपुन आत्माओं इन नित्यासन फिर दोहरा के देखो और तुलना करो इस परमेश्वर के ज्ञान से, आपने पता चलेगा हम के पढ़ा करते, उसने हम आचरण कर सकते हैं उनका, अपनी पत्नी ने गर्भवती हो पेट में बालक और गर्त काट दे कि तमरो की तजाओ और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम थे वह नहीं, ये काल ने धक्के दे रखे थे इनको, इनके प्रारंभ में जो लिख रखा था इनने ऐसे भोगना था, रावण उसने श्राप दे रखा था नारद जी ने किसको, श्री रामचंद्र विष्णु जी को, और इस तरह उसने कर उसके बस की बात नहीं थी, इस प्रारंभ ने टाल कर दे काट दे कि, लेकिन कबीर परमात्मा ही हमारे बैड बुरे कर्मों को पाप कर्मों को काट सकते हैं, इसलिए कहते हैं तुम कौन राम का जब तेरता जापम अर्थात कटेना तुम्हारे तीनों तापम। अब परमात्मा कबीर जी जब यहां से चले, पुनात्मा आप केवल भक्ति के केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बात क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल के, गुरु जी की कृपा गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको, अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, कितनी बात बना लेना, और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त, अभिमान नहीं ये सच समझना, पृथ्वी नहीं 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो कहने का भाव यह कि जैसे हम यहां से चलते हैं तो शरीर छोड़कर जब हम जाते हैं सूक्ष्म शरीर हमारे साथ होता है, तो रास्ते में बहुत जबरदस्त काल का जाल है, वहां से परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में उनके साथ चलेगा, साथ में जो अंतिम श्वास तक गुरु मर्यादा